वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव मैक्सिमम डेंट कर रहे हैं एनडीए को? जो प्रधानमंत्री का था वो क्या इस चुनाव में कम नजर आ रहा है, खासतौर पर बिहार में? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सकता हूं कि अति पिछड़े समाज में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू दिखाई पड़ता है। अति पिछड़ा समाज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसको बिहार में गुम्मा वोटर, चुप्पा वोटर कहते हैं। केवल उसमें साहनी समाज है जो कि एक बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी से छिटका हुआ दिखाई पड़ता है, जो मैंने कई जगहों पर देखा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि युवाओं के बीच में, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइंस, युवाओं के बीच में रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार की चर्चा बहुत हो रही है, युवा आते हैं, आप उनसे बात करिए, वो अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नाराजगी जाहिर नहीं भी करें तो जमीन पर मैं कि क्वेश्चन पत्र पेपर लीक हो रहा है उसकी चर्चा बहुत है, नौकरी वैकेंसी कम निकल रही है उसकी चर्चा बहुत है, नौकरी कम मिल रही है उसको लेकर के नाराजगी बहुत है, स्थानीय उम्मीदवार इजिली एक्सेसिबल नहीं है उसको लेकर के नाराजगी बहुत है। कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूं तो चौथे फेज में भी 2.5% कम वोट देना, कम वोट पाना, ठीक है, एक बड़ा कारण हो सकता है कि बहुत लोग बिहार से पलायन किए हुए हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं और वो वोटिंग के दिन पहुंच नहीं पाए अन्य वजहों से, क्योंकि रेल में रिजर्वेशन नहीं मिलता, सभी लोग फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते और भी तरह तरह की बातें। लेकिन इस सब के बावजूद एक राज्य में अगर वोटिंग परसेंट 2.5% कम होता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात तो है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा हमारे साथ है, उनका शरीर उधर है, आत्मा हमारे साथ है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या यह महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या इसमें एक बड़ा मैसेज भी छिपा हुआ है कि एनडीए में जाने के बाद अगर नीतीश की हार होती है तो नीतीश की हार होने के बाद नीतीश कुमार क्या एक्सक्यूज ढूंढेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि अरे हम तो बहुत काम किए, लेकिन हम काम किए पर उस बीजेपी के साथ आने की वजह से लोग हमको वोट नहीं दिया, और वोट नहीं दिया तो फिर उसका एक नया फॉर्मूला, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल ढूंढा जाने लगेगा। कई लोग इस तरह की भी बात करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो इसके दोनों मायने हैं, एक तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, दूसरा एक रास्ता खुला रखने की कोशिश है कि देखिए आपके लिए रास्ता अभी भी खुला हुआ है, तीसरा उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच एक सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए वो भी हमारे साथ कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप हमारे, क्योंकि टिकट बंटवारे में भी 8-8 कुशवाहा को टिकट देने का मतलब है कि नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में सेंधमारी करना। कैसे देख रहे हैं आप? मैं आपका कमेंट चाहूंगा। पंकज जी, अगर संजय जी ये कहते हैं कि इसकी तेजस्वी यादव की ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है तो मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं आलोक जी की इस बात को ध्यान रखता हूं कि तेजस्वी के पास अभी वो पॉलिटिकल ब्रेन है ही नहीं, उसके पीछे लालू यादव का पॉलिटिकल ब्रेन चलता है, और ऐसे में जब नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर कभी इधर करते आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास तीन तरह के वोटर हैं। अभी अक्रॉस द कास्ट उनके पास तीन तरह के वोटर हैं, जिनमें से कुछ वोटर ये ऐसे हैं जो ये चाहते कि अगर नीतीश कुमार ना हो तो हम आरजेडी में चले जाएं। दूसरा, एक बड़ी संख्या ऐसी है कि अगर नीतीश कुमार ना हो तो हम भाजपा में चले जाएं, और एक संख्या ऐसी है जो अनिश्चय का शिकार है। इस अनिश्चय वाले पोर्शन को टारगेट किया है तेजस्वी यादव ने। अगर आप इसको राजनीतिक कौशल कहें तो मुझे बहुत आपत्ति नहीं होगी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के उस अनिश्चय की स्थिति वाले वोटर को कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि चचा कल को लौट के आ सकते हैं,
लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है पंकज जी कि नीतीश कुमार अब अपने जीवन के 74वां बसंत देखने वाले, अब उन्हें लगता है कि एक दो साल और मुख्यमंत्री रहें, उसके बाद वो गवर्नर बन जाएं या राज्यसभा के सांसद बन जाएं। मैं समझता हूं उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, अब उनके पास पलटी मारने के लिए बहुत कुछ रीजन बचेगा नहीं। ये बात तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि अब चचा से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चचा, अब मेरे लिए क्या कुछ बचा? तो चचा बोले, नहीं बेटा, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की एक बौखलाहट भी है, एक फ्रस्ट्रेशन भी है, अपने वोटर्स को हंसाकर ताली बजाने वाला बयान है, जिसका कोई राजनीतिक लाभ होने की स्थिति नहीं है। अगर आपको याद हो, अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने भी इस तरह का एक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा है उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, आपके सपने एनडीए में पूरे हो सकते हैं। अब यहां मोदी जी का कहना एक जिम्मेवार व्यक्ति का कहना, और वो खुद इनवाइट कर रहे हैं, एक अलग तरह का बयान है जहां वो स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लिए उद्धव ठाकरे अछूत नहीं है, मेरे लिए शरद पवार अछूत नहीं है। लेकिन तेजस्वी का ये बयान देना कहीं ना कहीं बताता है कि लाला, तुम्हारे हाथ में भी कुछ है ही नहीं, अभी तुम किसी लायक नहीं हो। ये बात सही है कि आरजेडी ने तेजस्वी के नेतृत्व में कुछ सफलता हासिल की है, और मैं कहता हूं जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनावों में नीतीश कुमार और मजबूत होकर उभरेंगे। नीतीश कुमार कह रहा हूं, तेजस्वी यादव और मजबूत होकर उभरेंगे। लेकिन फिलहाल देश की जनता को अब यह समझ आ गया है, फिर चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो, कि लोकसभा और विधानसभा में एक बड़ा फर्क है। और अगर इस देश में लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर लोग मोदी से नाराजगी होने के बावजूद अगर मोदी का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि विकास की यात्रा की अगली शुरुआत फिर मोदी के हाथ से ही होनी है। इसलिए लोकसभा में उतनी खराब स्थिति नहीं है जितना आलोक जी उम्मीद लगा के बैठे। अब मेरा इसमें एक और बात कह, पूरा देश जानता है कि अगर विपक्षी गठबंधन, अगर भाजपा और एनडीए के पास बहुमत के आसपास की सीटें आई, तब भी सरकार बनने का नौता उन्हीं को मिलना है, सरकार वही बनाएंगे। ऐसे में एनडीए के पास ही सरकार की चाबी है, विपक्ष के पास अभी चाबी दिख नहीं, और जब चाबी नहीं दिख रही है तो लोगों का एक माइंड सेट है कि वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। तो ऐसे में भाजपा की स्थिति, भाजपा नीत गठबंधन की स्थिति मजबूत है। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी रोजगार की, तो मैं कह देना चाहता हूं कि इस देश में जो जातिवादी राजनीति चल रही है, जो जातिवादी राजनीति को प्रेशर बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको ऐसा लगता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से है। पंकज जी, बड़े दुख की बात ऐसी है कि लोगों को यह लगता है कि नौकरी सरकारी नौकरी के अलावा कोई रोजगार रोजगार होता ही नहीं, जबकि इस देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 अरब की वैल्यूएशन जिसकी हो गई हो, ऐसे नए नए स्टार्टअप, नए नए बिजनेस आकार ले रहे हैं। अगर 30,000 किलोमीटर रोड बन रही हो, रेल बन रही हो, पूरे देश के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा हो, लगातार नए वाटरवे के सिस्टम शुरू हो रहे हो, नए एयरपोर्ट बन रहे हो, नए सी पोर्ट बन रहे हो, तो डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होना है। और जिस तरीके से सरकारी योजनाएं चल रही है, रोजगार बहुत क्रिएट हुआ है। 1.5 करोड़ PF के एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन इस साल में हुए, पिछले 2-3 सालों में क्यों हुए? क्या वो लोग पहले नौकरी नहीं करते थे? कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम की जॉब में आ रहे हैं। अगर उन लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ रहा है। एक और बात बताता हूं, आम जनता में दरअसल ये बात है कि बस हमने BA कर लिया, हमने BCom कर लिया, हमें नौकरी मिल जाएगी। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। अगर कोई गांव में छोटे शहर का BCom करके आता है, नहीं नहीं देखिए, दिल्ली मुंबई में जॉब मिलने में मुश्किलात होती है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं। V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल।
बोलो जुबां केसरी।